ये जो यहाँ मुझे समझ में आया कि और भी पिक्चर्स हैं जो कविता मैन ने उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, सक्सेस हम कैसे हो सकते हैं, और विक्रा से भी हमें काफ़ी कुछ सीखना भी मिला कि सक्सेस कैसे हो सकते हैं। विक्रा ने इतनी कम एज में ही इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर अचीव किए, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो हम सब भी ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर, हम सब भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए ये सारी चीजें जो ये कॉन्फिडेंस कराने का फायदा क्या है कि हम भी इनसे कुछ सीखें कि सब हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, सफलता का तरीका क्या है, किस किस चीज को हम फॉलो करें। ये अगर हम सारी चीजें फॉलो करें तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। और सफलता हमेशा जीरो से शुरू होती है। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो लोग पहले आपको मना करते हैं कि ये आप नहीं कर सकते, लेकिन जब धीरे धीरे आप उस कार्य की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो वही लोग आपके सपोर्ट में हो जाते हैं। तो मैंने काफी पहले देखा कि जब विप्रा ने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो जो हमारे बीएड डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने देर से कहा कि ये कैसे होगा, इसका 50-60 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर आगे नहीं चल पाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये धीरे धीरे आगे करेंगे। इसने काफी मेहनत की, यानी इसने जीरो से एंड तक वो मेहनत करते गए और उसका रिजल्ट ये मिला कि आज इसके 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं और अच्छी खासी इसके उसके व्यूज आते हैं, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें समझने की है और हम सभी लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि सक्सेस ऐसे ही नहीं होती। किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में ले लो या बिजनेस के क्षेत्र में ले लो या पैसे के क्षेत्र में ले लो, एक दिन में तुम करोड़पति नहीं बन सकते। थोड़े थोड़े अपना स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा, तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि हम रातों रात करोड़पति करोड़पति बन जाए तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो बनना भी चाहते तो वो सक्सेस नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। तो ये तरीका होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हुए आगे बढ़े, सफलता एक जरूर मिलेगी। सफलता से हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जब हम किसी चीज को करते हैं तो काफी कुछ अड़चने आती हैं। जब हम रास्ते में चलते हैं कई बार हमें ठोकर लग जाती है तो हमें समझ में आता है कि रास्ते में यहाँ पत्थर पड़ा हुआ था और हम उस पत्थर को साइड कर देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम ये देख कर चलते हैं जब अगली बार उस रास्ते से आते हैं कि पत्थर यहाँ पड़ा हुआ था, अब की बार मुझे इसके ऊपर से जाना है। ये तरीका होता है। तो जिंदगी में असफलताएं भी आती है, तो असफलताएं भी हमें सिखाती है, असफलताएं भी हमें सिखाने को मजबूर करती है और हमें बताती है कि सफलता कैसे मिलेगी। तो एक पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, असफलता से भी हमें सीखने को मिलता है। काफी लोग होते हैं जिनके जीवन में जब असफलता आती है तो परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे लाइफ में भगवान ने ऐसे ही लिखा था, उस मजबूरी को मानकर उसी में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग उस असफलता को ठोकर मारकर आगे निकलते वही सक्सेस होते हैं। दुनिया में आज सभी लोग सक्सेस होते हैं, सबको पता है सक्सेस कैसे मिलती है, लेकिन कुछ लोग ही उस रास्ते पर चल पाते हैं और जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं उन्हें सक्सेस मिलती है और उसका नाम देश और दुनिया में अमर होता है। तो एक बार और